हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास ये है मोटोरोला मोटो जी 10 मॉडल नंबर का सेट। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका चार्जिंग जैक प्रॉब्लम है और अगर आप यहाँ पर चार्जिंग जैक चेंज करते हो, ठीक है, और इसका अगर प्लस पॉइंट इसका जंपर करने के बारे में आज हम आपको बताएँगे कि आप कहां से कहां पर जंपर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपका मोटोरोला G10 मॉडल नंबर का सेट है और उसमें आप अगर चार्जिंग जंपर देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहां पर देख लेना है जो आपका प्लस पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। यहां पर आप जो देख रहे हो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस साइड में, इसके प्लस पॉइंट का लाइन आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये जो जहाँ पर जाकर ये हमारा पत्ता बैठता है यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर देखो ये इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आप जंपर दे सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ से जंपर नहीं देना। आपको यहाँ से जंपर दोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा, यहाँ से आपके पत्ते में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसको अब चलो यहाँ पर बिठा देते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ से अगर आपका यहाँ पर बैटरी पर सप्लाई नहीं जा रही है तो आप कहाँ पर जंपर दोगे, जिसकी वजह से आपका ये वाला प्रॉब्लम चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट रखा हुआ है, इस साइड में भी रखा हुआ है 2 पॉइंट, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जंपर सीधा लेना है, यहाँ से आपको इसको ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ से जंपर लेकर आप डायरेक्टली यहाँ पर जंपर दे सकते हो, ठीक है। और आपका जो चार्जिंग कनेक्शन जो यहाँ से ब्रेक हो रहा था पत्ते से, कहीं से भी अगर ब्रेक हो रहा है तो आपका यहाँ तक इसका जो है वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ तक आएगा आपकी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को